गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी। हम लोग एक मंत्र से शुरू करते हैं। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषधय शांति, वनस्पतय शांति, स्वदेव शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति, व शांति, सामा शांति, रेधि। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषधय शांति, वनस्पतय शांति, वे देव शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांति रेव शांति, सामा शांति रेधि। पूरे विश्व में शांति हो, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। और हम सबके मन में भी शांति हो, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। हम लोग अक्सर गुरु के मुख से सुनते हैं कि भगवान का हर विधान मंगलमय है। तो क्या हम हर विधान को मंगलमय मानते हैं? क्या ये जो विधान आया है भगवान का, ये जो परिस्थिति आई है, इसको हम मंगलमय मान सकते हैं? तो आइए आज हम लोग ये विचार करते हैं कि ये परिस्थिति हमारे लिए कैसे मंगलमय है, हमें क्या सिखा रही है ये परिस्थिति। बहुत सारे इसमें लर्निंग लेसन्स हैं। गुरु का जो बच्चा होता है वो तो हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहता है, भजन करता है, शुक्राना मानता है और प्रसन्नचित रहता है। वो हर परिस्थिति में कुछ न कुछ पॉजिटिव देख लेता है। अब हमारे ऊपर है, हम आधा ग्लास भरा देखते हैं या आधा ग्लास खाली देखते हैं, पूरा हमारे ऊपर है। अब हम देखें तो पहली बात सबसे कि भगवान इस संसार के मालिक हैं, वो सब चलाने वाले हैं, वो सब करने वाले हैं। उन्हीं के हुक्म से सारी सृष्टि चल रही है, वही सब करा रहे हैं। अब देखिए, एक मिनट में उन्होंने पूरे वर्ल्ड का लॉकडाउन कर दिया और सबको जो इतना शोर शराबा था, एक मिनट में सब खत्म कर दिया। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, वो संसार के मालिक हैं। और वो जो करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं, हमारे अच्छे के लिए करते हैं। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। हमारे जीवन में भी जो परिस्थिति आती है वो हमारे मंगल के लिए आती है, हमारी भलाई के लिए आती है। अब हम देखें क्या क्या मंगल हो रहा है। अब हम देखें तो प्रकृति परेशान हो गई थी, इतना एयर पोल्यूशन, इतना नॉइज पोल्यूशन, इतना सारे तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन, एक झटके से पूरी प्रकृति को साफ कर दिया इस कोरोना वायरस ने। ऐसी महामारी फैली, प्रकृति जो थी, माँ प्रकृति जो है रो रही थी, धरती माता रो रही थी, कितना ज़्यादा घुट रही थी वो, कि इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन, इतना ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन। हम लोग अपने कमरे में लेटते थे तो सड़क पे इतनी आवाज़ें, पै पू शोर शराबा, इतना ज़्यादा हॉर्न बज रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं आ रही हैं, इतनी फैक्ट्रीज चल रही हैं, बस सब जगह पोल्यूशन ही पोल्यूशन था। एयर इंडेक्स जो था 400-500 चल रहा था, अब आ गया 70-75। तो हम देखें तो सांस लेने में पृथ्वी माँ अब सांस ले पा रही है, वो भी तो परेशान हो गई थी, वो क्या करे, तो उन्हें भी एक झटके से करना पड़ा। अब हम लोग देखें प्रकृति कितनी साफ हो गई है,
कितनी शांत है, कोयल की आवाज़ आ रही है, चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज़ आ रही है, हवा के चलने की आवाज़ आ रही है. द बर्ड्स आर चर्पिंग, द स्काई इज़ ब्लू, द स्टार्स आर शाइनिंग, एवरीथिंग इज़ सो सीरीन एंड काम, सो ब्यूटिफुल. तो ये प्रकृति ने जो किया वो हमारे भले के लिए किया ना. तो भगवान का हर विधान मंगलमय है. अब हम देखें, प्रकृति हमें डिग्निटी ऑफ लेबर सिखा रही है. इस परिस्थिति में क्या सिखा रही है? डिग्निटी ऑफ लेबर. कैसे? कोई सेवाधारी नहीं आ रहा तो सबको, घर के लोगों को ही मिलके काम करना पड़ रहा है. कोई झाड़ू पोछा लगा रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई खाना बना रहा है, तो सब मिलकर काम कर रहे हैं. सबको, सब लोग, हर समय जो हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती थी, अब खुद ही व्यायाम हो रही है, खुद ही सबका शरीर स्वस्थ हो रहा है, सबको काम करना आ रहा है. और जो हम सेवाधारियों पे चिड़चिड़ाते थे, वो हमारा चिड़चिड़ाना भी बंद हो गया. और हमको उनकी, कितनी वो हमारी सेवा करते हैं, उस सेवा की कदर भी हो गई. ये तो हम तो बस उन पे चिड़चिड़ाते ही रहते हैं. फिर भगवान हमें इस परिस्थिति में सम, शांत और मौन रहना सिखा रहे. हम कहाँ सम और शांत रह पाते हैं? तो भगवान कह रहे हैं सम रहो, ये जो परिस्थिति आई है इसको सहन करो. और गीता में भी भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तो सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण सब सहन कर, जय पराजय सब सहन कर. तो भगवान अर्जुन को सहन करने को कह रहे हैं. तो इस ये परिस्थिति भी हमको सहन करना सिखा रही है, शांत रहना सिखा रही है. कह रही है मौन रहो, अंदर से भी मौन और बाहर से भी मौन रहो. जब बच्चा नहीं सुनता है तो माँ स्ट्रिक्ट हो जाती है, पिटाई भी लगाती है. तो जब हम प्रकृति की सुन नहीं रहे थे, तब प्रकृति क्या हुआ? प्रकृति स्ट्रिक्ट हो गई. उसने भी कहा कि तुम सुन नहीं रहे हो, मुझे पल्यूट किए जा रहे हो, मुझे गंदा किए जा रहे हो, और पैसे की दौड़ लगी पड़ी है, पैसे के पीछे दौड़ रहे हो, और मेरी कोई तुम्हें कदर ही नहीं है. कितना पल्यूशन, कितनी गड़बड़ी. तो जब हमने प्रकृति की नहीं सुनी तो प्रकृति भी स्ट्रिक्ट हो गई हमारे साथ, और उसने एक ऐसे वायरस को भेज दिया कि पूरी प्रकृति को साफ कर दिया, शांत कर दी. फिर हम इसमें एकांत की वैल्यू सीख रहे हैं. हम सबको, कितना लोग सोचते हैं घर में, इतना मतलब हमें एकांत चाहिए, एकांत चाहिए. तो अब चारों तरफ एकांत ही एकांत है. आप कहीं भी बैठिए, किसी भी कमरे में बैठिए, अपना भजन करिए, माला करिए, अध्ययन करिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए. और कहावत भी है, when you can't go outside, go inside. तो ये इनसाइड जाने का समय है, भगवान में लगने का समय है, भजन करने का समय है. फिर इस समय हम अपनी कंट्री की इम्पोर्टेंस को सीख रहे हैं. हमें अपने देश की कोई कदर नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है अपने देश की. जो लोग अपने बच्चों को विदेश भेज करके बहुत प्राउड फील करते हैं, आज वो सब परेशान हैं. एक हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, तो उन्होंने लिखा था, हमारी जिठानी के बच्चे जो हैं वो तो विदेश में पढ़ते हैं, उनके चारों बच्चे विदेश में, कोई पढ़ रहा है, कोई वहाँ सेटल हो गया है, तो बड़ा प्राउड फील करते हैं. देखा, मेरे चारों बच्चे विदेश में, तुम्हारे दोनों बच्चे हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं? अब वो रो रहे हैं, बड़े परेशान हैं, कह रहे हैं कि तुमने अच्छा किया अपने बच्चों को हिंदुस्तान में रखा. तो इंडिया इज़ द बेस्ट, बी प्राउड टू बी इन इंडियन. हमारा हिंदुस्तान सबसे अच्छा. तो ये हमें सीखने को मिल रहा है. और स्वामी विवेकानंद भी कहा करते थे कि लर्न इंटेलिजेंस फ्रॉम द वेस्ट एंड विजडम फ्रॉम द ईस्ट.
इंटेलिजेंस हम उनकी टेक्नोलॉजी भले ही लें, पर सब देशों का गुरु है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से ही सब धर्म लोगों ने धर्म की शिक्षा हिंदुस्तान से ही ली है। तो विजडम मतलब शांत रहना, कोई भी परिस्थिति आती है तो उसमें हम शांत रह पाते हैं। अब कोई भी हालत आती है तो एकदम लोग आदमी परेशान हो जाता है, पर हिंदुस्तान में लोगों को कितनी सहन करने की शक्ति है, कितनी सहनशीलता है यहाँ पर। तो ये क्या है, ये विजडम है। विजडम मीन्स हर परिस्थिति में शांत रहो, हर हालात को सहन करना सीखो। एक छोटे से कोरोना वायरस ने पूरे वर्ल्ड को, सुपर पावर्स को, पूरे वर्ल्ड की सुपर पावर्स को डिफीट कर दिया। जिनका हेल्थ इंडेक्स नंबर 2 पर था, आज वो परेशान है, उनके यहाँ ही सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। और इंडिया जो है वो एग्जाम्पल सेट कर रही है पूरे वर्ल्ड को। अब देखिए कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है वेस्ट की एडवांस हो रही थी, 4G 5G और कितनी ज़्यादा रेडिएशन बढ़ गई थी, कितना ज़्यादा पोल्यूशन था, तो एक सेकंड में सब शांत कर दिया। तो अब सोचने के लिए हमें मजबूर कर रही है कि हम क्या कर रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी को तो बढ़ा रहे हैं पर मदर नेचर से हम दूर जा रहे हैं, हम प्रकृति से दूर जा रहे हैं। जो लोग भारतवर्ष को लैंड ऑफ बेगर्स एंड स्नेक चार्मर्स कहते थे, दे आर रिव्यूइंग देयर ओपिनियन, वो फिर से सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और ये जो है ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरह है। हर वॉर में एनिमी जो है वो अनसीन होता है, हर वॉर में एनिमी अनसीन नहीं होता, पर इस वॉर में एनिमी अनसीन है, हमें दिख ही नहीं रहा एनिमी कहाँ है एनिमी। और हर लड़ाई जो है वो हथियारों से नहीं लड़ी जाती है, कुछ लड़ाई जो है वो किससे लड़ी जाती है, ये लड़ाई किससे लड़ी जा रही है, ये लड़ी जा रही है कौशन से, शांति से, प्रेम से और रूल्स फॉलो करके, केयरफुलनेस से, ह्यूमिलिटी से, डिसिप्लिन से, ये लड़ाई उससे लड़ी जा रही है। एक आदमी ने कहा कि मतलब एक आदमी जो था वो कहता था कि मुझे भगवान पर बहुत विश्वास है, तो वो उसके यहाँ बाढ़ आ गई तो वो कहने लगा भगवान मुझे बचाएंगे। तो इतना पानी बढ़ गया तो सारे लोग गांव के ऊपर, वहाँ पे पहाड़ था थोड़ी दूरी पे, वहाँ चले गए। तो लोग जब जाने लगे तो उन्होंने कहा कि भैया तुम भी चलो, तो उसने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मुझे भगवान बचाएंगे। फिर सरपंच ने कहा कि तुम चलो भाई तुम डूब जाओगे, बोला नहीं मुझे भगवान बचाएंगे। पानी बढ़ता गया, फिर नाव आई, नाव वाले ने कहा चलो हम तुम्हें बचाने आए हैं, नहीं माना, बोला भगवान मुझे बचाएंगे। पानी और बढ़ता गया, फिर वो बिल्कुल ही डूबने लगा। तो हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर से आदमी ने हाथ निकाला कि भाई हमें हाथ दे दो हम तुम्हें खींच लें, तो उसने कहा नहीं मुझे भगवान बचाएंगे, डूब गया, मर गया। जब भगवान के पास पहुंचा तो बोला भगवान आपने मुझे बचाया क्यों नहीं, मैं तो आपका इतना भक्त था, मुझे तो आप पर इतना विश्वास था। तो भगवान बोले मैं आया तो था बचाने के लिए, सरपंच के रूप में आया, नाविक के रूप में आया, हेलीकॉप्टर के रूप में आया, तुमने सुना ही नहीं। अब प्रकृति भी हमें हर तरह से सिखा रही कि इतना मेरे साथ वो मत करो, इतना मुझे परेशान मत करो, इतनी टेक्नोलॉजी के पीछे मत भागो, नेचर के साथ रहना सीखो, प्रकृति के साथ रहना सीखो, शांत रहना सीखो। पर हम सुनेंगे नहीं तो प्रकृति फिर क्या करेगी, प्रकृति भी हमें पनिश करेगी। तो हम जो ये कहते हैं कि भगवान पर विश्वास है, तो हम साथ में जब प्रकृति हमें, जब भगवान हमें हेल्प भेजते हैं तो वो भी लेना हमें आनी चाहिए। जो हमें इकोनॉमिक लॉस हो रहा है इस समय,
इकोनॉमिक लॉस बहुत हो रहा है, क्योंकि सारी लोगों की फैक्ट्रीज बंद हैं, लोगों के कारोबार बंद हैं, लोग घर में बैठे हैं, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं बस वही लोग एक्टिव हैं। तो हम सोचें, अगर कोई किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को कैंसर हो जाता है, तो लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। तब हम क्या कर पाते हैं? तभी तो हम खर्चा करते हैं। तो इस समय जो खर्च अगर हमारा लॉस हो रहा है, तो उसको लॉस मत समझिए, ये समय रिफ्लेक्ट करने का है, ये समय अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने का है, ये समय भगवान से जुड़ने का है, ये समय अंतर्मुखी होने का है। हम लोग कहते हैं फैमिली के साथ टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता, तो ये वैल्यू टाइम है अपने लव्ड वंस के साथ स्पेंड करने का। आप उनके साथ रहिए, उनको उनको उनके साथ प्रेम से रहिए, उनके साथ समय बिताइए। लोग कहते हैं टाइम ही नहीं मिलता, आप तो हमें टाइम ही नहीं देते हो, अब तो टाइम ही टाइम है। तो जो चीज़ हमें नहीं मिल रही थी, वो चीज़ हमें आज मिल रही है, तो उसकी वैल्यू करें। फिर प्राइम मिनिस्टर्स फंड के लिए दान दें, बड़ा दिल करें। हर घर से अगर एक व्यक्ति 100 रुपये भी दान करे, तो 13,000 करोड़ रुपये हो जाएंगे। सोचिए, विचार करिए, और कितने लोगों ने कितना कितना दान किया है। किसी ने 50 लाख, किसी ने 1500 करोड़, किसी ने 25 करोड़, कितने कितने लोगों ने दान दिए और हमने कितना किया है। तो थोड़ा थोड़ा हम सब मिलकर करें, तो जो हमारे देश का गरीब वर्ग है, उन वो सब इस महामारी में परेशान नहीं होंगे। तो लेट्स हैव अ बिग हार्ट एंड डोनेट। फिर एक चीज़ प्रकृति हमें और सिखा रही है कि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको हम स्ट्रॉन्ग करें। वी शुड चेंज आवर फूड हैबिट्स। देखिए, फॉरेनर्स जब हमारे यहाँ आते हैं तो कितने शॉट्स लगवाते हैं, वो कॉलरा के लिए शॉट, चिकन पॉक्स के लिए शॉट, जॉन्डिस के लिए शॉट, टाइफॉइड के लिए शॉट, मतलब इंजेक्शन सबके लिए वो लगवाते हैं। और हमारे हिंदुस्तानी जब विदेश जाते हैं वो कितने शॉट्स लगवाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है। अब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम क्यों वीक हो रहा है? हमारा इम्यूनिटी सिस्टम क्यों वीक हो रहा है? क्योंकि हम उनका फूड हैबिट्स अपना रहे हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स, हम ये सब खाना चाहते हैं। तो जो हमारे घर की दाल रोटी थी, हमारे घर की मिस्सी रोटी थी, हमारे घर का बेजर का आटा था, हमारी हरी हरी साग थे, वो कहाँ गए? सब्जियाँ थी, तो हम घर का खाना खाएं, तो हम ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, और भारतवासी इसको इस बीमारी को ज़्यादा अच्छी तरह से फाइट कर पाएंगे, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। कई विदेशी दोस्तों ने लिखा है कि हम लोग को तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं इसमें, यंग लोगों को वो लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं, इतने उनके हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, तो हम तो अदरक, तुलसी, हल्दी इसको उबाल उबाल के पी रहे हैं, इसी के काढ़े पी रहे हैं, इसी से हमारा बुखार कम हो रहा है और इसी से हमारे लंग्स और इन्फेक्शन खुल रहा है। तो आप गरम गरम चीज़ें लीजिए, हल्दी का प्रयोग करिए, तुलसी अदरक का प्रयोग करिए, गरम गरम लिक्विड्स पीजिए, ठंडी चीज़ें बिल्कुल मत पीजिए। इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी और आप हर तरह के वायरस से लड़ सकेंगे। वायरस क्या है? कुछ नहीं है, जुकाम भी तो वायरस है, पहले भी हुआ करता था ये वायरस, कोरोना वायरस, पर उसकी इंटेंसिटी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। आज लोगों की इम्यूनिटी लेवल वीक हो गया है, तो बुरी तरह से वो लोग इससे प्रभावित हैं। तो इसलिए हमको अपनी फूड हैबिट्स चेंज करनी होंगी। फिर इट्स टाइम टू रिफ्लेक्ट कि हम हर चीज़ में वेस्ट को इमिटेट कर रहे हैं, कपड़ों में, खान पान में, वेशभूषा में, बोलचाल में, हर चीज़ हमारी वेस्टर्नाइज्ड होती जा रही है। हम अपने कल्चर को तो भूलते जा रहे हैं और विदेशी चीज़ें सब अपना रहे हैं। तो अब ये टाइम है कि आओ हम लौट चलें, हम वापस लौटें।
अपने कल्चर की तरफ, अपने देश को रिस्पेक्ट करें, हमारे कल्चर को रिस्पेक्ट करें, हम अपनी चीज़ों की रिस्पेक्ट करें हर तरह से। फिर लास्ट में हम आपको एक कहानी और सुनाते हैं कि एक गांव में महामारी फैली थी, तो उस गांव में राजा बड़ा परेशान था, लोग बार बार मर रहे थे, बार बार मर रहे थे। तो उसको स्वप्न आता है, उस स्वप्न में वो क्या देखता है कि एक कुआं है वो सूखा है, तो आवाज़ आ रही है, आकाशवाणी हो रही है कि उस कुएं में अगर सब लोग एक एक बाल्टी दूध डालें तो ये महामारी चली जाएगी। तो राजा ने ऐलान कर दिया कि रात को सब लोग एक एक बाल्टी दूध इस कुएं में डाल दीजिएगा। अब क्या हुआ, राजा जब सुबह देखने गया तो देखा कि वो तो पूरा कुआं जो था पानी से भरा था और महामारी वैसी की वैसी थी। तो राजा को बड़ा ख़राब लगा, उसने कहा ये क्या बात हुई। तो हर आदमी ने क्या सोचा था, हर आदमी ने सोचा था कि भाई मैं एक बाल्टी पानी डाल दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और लोग तो दूध डालेंगे। तो हमारी एक प्रकृति है कि भाई मैं अगर एक ऑनेस्ट नहीं हूँ, मैं एक सिंसियर नहीं हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, और सब करें पर मैं चाहे जैसे भी चलूँ। पर यहाँ हमें क्या करना है, गुरु क्या सिखा रहे हैं, गुरु सिखा रहे हैं हर एक को अपने को बनाना है, चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज़ चेंज्ड। हम अपने को बदलें, हम अपने को चेंज करें, हम ऑनेस्ट बने, हम सिंसियर बने, हम एक अच्छे इंसान बने, हम भक्त बने, हम देश के प्रति वफादार बने। हमारी तीन माँ होती है, एक माँ जो हमें जन्म देती है, एक गुरु हमारी माता होते हैं, गुरु मात पिता बंधु सखा तेरे चरणों में मेरे स्वामी कोटि प्रणाम। फिर तीसरी माता होती है हमारी देश, हमारी भारत माँ। तो हमें तीनों माँ की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। तो इस समय जो है हमें अपने देश की, अपनी धरती माँ की रिस्पेक्ट करनी है और इसको बचाना है। तो हर आदमी का कर्तव्य है कि जो जो उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जा रहे हैं कि भाई घर की लक्ष्मण रेखा पार मत करो, घर में ही रहो, तो किसी भी रूल को हम ब्रेक ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो ये सब चीज़ें हमको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करनी और पूरे विश्व को दिखाना है कि भारत एक अलग देश है, हमारा भारत महान है। तो वी हैव टू सेट एन एग्जाम्पल एंड वी शुड बी प्राउड टू बी एन इंडियन। हमको अपने देश पर गर्व होना चाहिए, हम हिंदुस्तानी हैं। अब हम एक छोटी सी प्रेयर करेंगे, बहुत छोटी सी, सबके, सब लोगों का शुक्राना मानते हुए और सबके स्वास्थ्य के लिए। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, मेरा मन, मेरे तन मन प्राण सब आप में लगे। हम आपके इस मंगलमय विधान को समझ पाए। आपकी तो हर बात में कृपा ही कृपा है, आप तो कभी अकृपा करते ही नहीं। हम आपकी कृपा को फील नहीं कर पाते, हम आपकी कृपा को समझ नहीं पाते। आप तो हमारे परम पिता, प्राणेश्वर, दयानिधि, करुणा निधान, भक्तवत्सल हैं, पर हम आपकी कृपा को फील ही नहीं कर पाते। तो इस परिस्थिति में, इन हालातों में हम आपकी कृपा को फील कर पा रहे हैं। हम चिंता फिक्र ना करें, हम समर्पण करना सीखें। हमें चिंता ना हो, जरा भी चिंता ना हो, धैर्य रखें, सब मंगल होगा। ये विश्वास हमें आप पर हो कि जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा
वो भी अच्छा हो। भगवान हमको बहुत कुछ इस परिस्थिति में सिखा रहे हैं, वो सीखें। भगवान का हर विधान मंगलमय है, ये हमें बहुत सीखने को मिल रहा है। हम उन देशवासियों के लिए प्रार्थना करें जो रात दिन 24-24 घंटे हमारे लिए लगे हुए हैं, पुलिस वाले, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स, नर्सेस, हमारे प्रधानमंत्री जी और पूरा देश रात दिन 24 घंटे काम कर रहा है। कितने लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं कि हमारा देश सुरक्षित रहे, तो उन सब के लिए हम प्रार्थना करें, उनके लिए प्रेयर करें कि वो सब स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, उनकी रक्षा हो। भगवान, ये समय आपसे प्रेम बढ़ाने के लिए, आपसे अपनापन करने के लिए, ये समय वेस्ट ना जाए बेकार की बातों में, बेकार के न्यूज़ चैनल देखने में। उससे घबराहट और चिंता पैदा होती है। हम आप में लगें, हम प्रेम में रहें, हम शुद्ध भाव में रहें, सारी दुनिया के लिए, सारी प्रकृति के लिए हम शुद्ध भाव भेजें। सब सब स्वस्थ रहें, सब खुश रहें, सब प्रेम में रहें। हमारा देश, हमारी धरती माँ स्वस्थ रहे, वो हील हो रही है। उसके हीलिंग टच को, प्रकृति को, लहलाती हवा को, हरी भरी प्रकृति को, चिड़ियों की चहचहाट को, चमकते तारों को, नीले आसमान को, प्रकृति की सौंदर्य को हम देख पाए, उसका आनंद ले पाए। हम तो इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतने खो गए थे, मोबाइल, लैपटॉप, ये वो, कि हम तो प्रकृति को भूल ही गए थे। तो प्रकृति वापस हमें अपने पास ला रही है, उसका आनंद लें, उससे, उसके साथ रहें। भगवान हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं, उसको सीखें, भगवान से अपनापन करें। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, ये संबंध हमारा पक्का रहे। तो इसी बात से हम खत्म करते हैं, अंत करते हैं कि हम सब, आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, भगवतमय रहें और शांत मुस्कुराते रहें। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान।